हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आज की इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो बी एड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है जम्मू यूनिवर्सिटी का जिसको आप थ्री जीरो वन के नाम से भी जानते हो उसकी यूनिट नंबर थ्री के नोट्स को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर वन टू एंड फोर ऑलरेडी अपलोडेड है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स जल्दी से अपलोड हो जाएंगे तो सब्सक्राइब द चैनल कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और सारे नोट्स मिल जाए तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ तो फर्स्ट टॉपिक था इसमें हमारा डिवेलपिंग लिटरेसी अप्रीसीशन तो बेसिकली लिटरेसी अप्रिसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम किसी भी इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स आप जिसको कह लो उस पर हम काम करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट वे हैं जिसकी हेल्प से आप लिटरेसी अप्रिसिएशन को बिल्डअप कर सकते हो वाइल्ड टीचिंग द इंग्लिश ठीक है तो क्या है वो वे तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज आपको एनकरेज करना है लव किसके लिए रीडिंग के लिए कैसे एक बहुत सारी वैरायटी आपको बुक्स की देनी है और रीडिंग मटेरियल देना है जो किसी का इंटरेस्ट पैदा कर सके और उसमें इंसान को एंगेज भी कर सके द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको हेल्प करना है लर्नर को डेवलप करने के लिए उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट द थर्ड वन इज क्रिएट ए लव फॉर राइटिंग बाय प्रोवाइडिंग द अपॉरचुनिटीज टू द लर्नर ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है आप बच्ची को कह सकते हो कि वो घर जाके रोज जर्नल लिखे आप उसको कह सकते हो कि वो कोई नोटिस लिखे आप उसे कह सकते हो कि वो कोई स्टोरी लिखे अपनी लाइफ के बेस के ऊपर कोई पोएम लिख दे अपनी लाइफ के बेस के ऊपर ठीक है तो इस तरह से आप उसको राइटिंग के थ्रू भी उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा सकते हो द फोर्थ वन इज इनकरेज द लर्नर टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस और द डिबेट रिलेटेड टू देयर लिटरेचर लैंग्वेज ओके द फिफ्थ इज दैट टीच अ लर्नर हाउ वी कैन एनालाइज एंड इवेलुएटेड डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट फिल्म एंड द सोशल मीडिया एंड मूविंग टू वर्ड द सेवंथ इज दैट कि आपको प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटी लर्नर को ताकि वो कलेबोरेट करें और अपने आइडियाज और अपने परस्पेक्टिव को शेयर करें दूसरे के साथ द नेक्स्ट वन इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सनेरियो का यूज़ करो आप इंग्लिश पढ़ाते टाइम ठीक है और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो डिवेल्प uh, करने के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग को एंड द एप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट कल्चर थ्रू द रीडिंग एंड एनालाइजिंग टेक्स्ट भी कर सकते हो एंड द लास्ट इज दैट कि आपको क्रिएट करना है पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरमेंट लर्निंग के थ्रू ताकि लर्नर एक रिस्क ले सके अपने आप को बोल सके आके अपने डर को पीछे करे और क्रिएटिवली अपने आइडियाज़ को स्पीक करे ठीक है तो ये था हमारा वोकेबुलरी टॉपिक वोकेबुलरी नाम का एक टॉपिक है तो मैंने क्या किया जर्नल वे में इसको सबको कवर अप किया है ठीक है तो अब वोकेबुलरी क्या होती है तो वोकेबुलरी एक इंग्लिश में रेफर किया जाता है सेट ऑफ वर्ड और फ्रेजिस को दैट uh, अ पर्सन नोज एंड यूज वाइल कम्युनिकेटिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है तो वो कैबलरी में क्या होता है वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज होती है जैसे नाउन होते हैं वर्ब्स होते हैं एडजेक्टिव होते हैं वर्ब होते हैं प्रपोजिशन होती हैं प्रनाउंस होते हैं इंटरजेक्शंस होती हैं सारी चीजें होती हैं और वो कैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम हम या या में use किया जाता आप इसको academically as well as your professionally success के लिए भी री का बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो वो कैबलरी लर्न की जा सकती है वेरियस मेथड के थ्रू जैसे राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एज वेल एज और आप उसको एक्सप्लेट इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिस के थ्रू भी सीख सकते हो वोबुलरी की नीड क्या है नीड ऑफ अ ऑफेबुलरी इनरिचमेंट क्यों हम कहते हैं कि आपके वोबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसकी नीड इंपॉर्टेंस आप कुछ भी कह लो क्यों है एक स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी क्या करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करती है अनएबल करती है आपको कि आप अपने आइडियाज को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको वोकेबुलरी हेल्प करती है आपको अंडरस्टैंड करने में एक रिटर्न कंटेंट को ठीक है हेल्प करती है आपको जो स्पोकन टेक्स्ट होता है आप उसको इजिली बोल सको विद गेस्टर्स एंड एकोरेसी वो कैबलरी आपकी हेल्प करती है आपके एकेडमिक सक्सेस में ठीक है वो कैबलरी इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द फ्लुएंसी इन द इंग्लिश वो कैबलरी की इम्पॉर्टेंस है कि आप इफेक्टिवली किसी चीज को रीड आउट कर सको और ये एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट थिंग इज अ वो है जो वो एक अबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वोकेबले भी आप पे डिवेलप करती है आप प्रोफेशनली उसको यूज़ कर सकती हो ठीक है उस वोकेबलेरी को स्ट्रॉन्ग वोकेबले आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को कोनहांस करती है अलो करती है आपको अपने वर्ड्स और आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए वो आपकी हेल्प करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल नोशियास आप किसी जगह पे uh, किसी वर्ड को किसी आ, मतलब अलग वे में प्रनाउंस करते हैं या किसी अलग नाम से प्रनाउंस करते हैं किसी जगह किसी अलग नाम से प्रनाउंस करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट वोकेबलरीरीज हैं तो आप डिफरेंट वोकेबलरीज के थ्रू आप कल्चरल चीजों को भी समझ सकते हैं ठीक है वोकेबलरीरी हेल्प करती है आपको कॉन्फिडेंशली पार्टिसिपेट करने के लिए एक सोशल ग्रुप्स uh, में ठीक है कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी और डिवेल्प करती है लाइफ लॉन्ग लव फॉर द लर्निंग तो आप देख लो बेसिक <coughs> बेसिक है कि रीडिंग आप तब कर सकते हो जब आपकी बोकेबुलरी अच्छी हो राइटिंग आप तब कर सकते हो जब वोकेबुलरी अच्छी हो आप किसी चीज को तब अच्छे से सुन सकते हो जब आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो आप किसी चीज को तब अच्छे से बोल सकते हो जब आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो आप अपने आइडियाज किसी को तब कन्वे कर सकते हो जब आपकी वोकेबलरी अच्छी हो आप किसी के आइडियाज तब समझ सक समझ सकते हो जब आपकी वोकेबलेरी अच्छी हो ठीक है आप अपने आइडियाज को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस तब कर सकते हो जब आपकी वोकेबलेरी बेटर हो आप डिफिकल्ट कंसेप्ट को तब पढ़ सकते हो जब आपकी वोकेबलेरी अच्छी हो ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वोकेबलरी काम आती है द नेक्स्ट थिंग इज अ शॉर्ट स्टोरी अब शॉर्ट स्टोरी क्या होती है एक फिक्शन होती है जो फोकस करती है किसी सिंगल इवेंट पे करेक्टर पे या फिर सेटिंग्स पे तो ये क्या होती है बेसिकली शॉर्टर देन द नॉवल होती है और इस डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस की होती है कभी हंड्रेड वर्ड्स की भी हो सकती है कभी थाउजेंड वर्ड की भी हो सकती है कोई स्पेसिफिक नहीं है बस ये है कि एक नावल से छोटी जो चीज़ है वो एक स्टोरी है तो शॉर्ट स्टोरी हम क्या करते हैं वेरियस स्टाइल्स में लिखते हैं लिटरेसी फिक्शन हो सकती है साइंस फिक्शन हो सकती है मिस्ट्री हो सकती है रोमांस हो सकती है हॉरर भी हो सकती है ठीक है तो वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है ये और ये आपको मैगजीन्स में एथोलॉजीज में ऑनलाइन पब्लिकेशन में बहुत जगह ऑनलाइन शॉर्ट स्टोरीज दिख जाएंगी जो स्ट्रक्चर होता है शॉर्ट स्टोरी का वो अलो करता है फॉर कंसाइन इन द फोकस्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ़ अ करेक्टर्स इन द थीम

अब फॉर्मेट क्या होता है शॉर्ट स्टोरी लिखने का तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है कि वेयर द सेटिंग एंड द मेन करेक्टर आर इंट्रोड्यूस देन होता है इसमें हमारा राइजिंग एक्शन यहाँ पे हम मेन कंफ्लिक्ट या प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड टेंशन अट्रैक्ट करते हैं बंदे की कि भाई अब ये चीज आएगी स्टोरी में नेक्स्ट थिंग आती है क्लाइमेक्स जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का ठीक है जहां पे आपको डिसीजन लेने होते हैं या फिर आपने कैसे एक्शन लिया उन चीजों को हम देखते हैं द नेक्स्ट थिंग इज अ फॉलोइंग एक्शन जहाँ पे क्या करते हैं इवेंट को फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स जो होता है उसका रिजोल्व करते हैं कि भाई अब हमने इस चीज को ऐसे रिजोल्व किया ठीक है एंड द फिफ्थ वन इज अ रेजोल्यूशन जहां पे स्टोरी इज ब्रॉट टू द क्लोज एंड लूज एंड अपर टाइड अप अप मतलब कि हम क्या करते हैं उसको क्लोज uh, करते हैं उसको धीरे धीरे पहले तो आपने इंट्रोड्यूस किया भाई ऐसे कहानी लिखते हो जैसे आप कि एक बार की बात है ऐसे ऐसे होता है ठीक है फिर आप उसमें मेन उसकी प्रॉब्लम पे जाते हो कि ये ये हमारा मेन क्लाइमेक्स था फिर आप क्या हुआ ठीक है कैसे मेन uh, चीज क्या आई उसमें क्या मेन ट्विस्ट आया वो लिखते हो फिर उसको रिजॉल्व करते हो और फिर लास्ट में स्टोरी का एंड करते हो अब बात आती है हाउ वी एनरिच द वोकेबलरी अब राइटिंग स्टोरी में आप वोकेबलरी को कैसे इनरिच कर सकते हो तो सेम ही चीजें हैं राइटिंग शॉर्ट स्टोरी कैन बी इफेक्टिव वे टू रिच योर वोकेबुलरी ठीक है तो एक स्टोरी लिख के भी आप अपनी वोकेबुलरी रिच कर सकते हो कैसे कर सकते हो ये इनकरेज करती है आपको डिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज को यूज करने के लिए टू क्रिएट इमेजिनरी और कन्वेइंग योर इमोशंस ठीक है ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी को आपको फिगरेटिव लैंग्वेज लिखने के लिए जैसे सिम्बलीस मैटाफर्स प्रिसोनिफिकेशन हो गई ये आपको अलो करती है आप एक्सप्लोर कर सको एंड सिनोने ठीक है सॉरी एंड एंटोनियम्स आप यूज़ कर सको अपनी वेरियस राइटिंग चॉइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए ये आपको इनकरेज करती है कि आप कंटेक्सट क्ल्यू दे सको रेफर टू तो द मीनिंग इन द अनफेमिलियर वर्ड्स ठीक है ये आपको प्रमोट करती है ईडीएम फ्रेजेस यूज करने के लिए आप शॉर्ट स्टोरी में आप अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप स्पेशलाइज वोकेबलरी यूज कर सकते हो रिलेटेड टू योर थीम्स और टॉपिक या आपको इनकरेज करती है कि आप लिटरेसी डिवाइज यूज कर सको जैसे एलिट्रेशन हो गई और भी बहुत सारे होते हैं जैसे ठीक है शॉर्ट स्टोरी आपको प्रमोट करती है यूज करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स एंड द फ्रेजेस टू क्रिएट अरियंस एंड फ्लो इन राइटिंग शॉर्ट स्टोरी प्रोवाइड करती है आपको अपॉर्चुनिटी फॉर मोर स्ट्रक्चर्स एज ठीक है आपको encourage करती है कि आप एक्यूरेट और अप्रोप्रेट ग्रामर और syntax का यूज करो शॉर्ट स्टोरी आपको promote करती है डेवलपमेंट ऑफ एंडेबुलरी ओके और शॉर्ट स्टोरी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर द सेविजन अलोइंग स्किल एंड द over the द ठीक है तो ये हमारे शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से ऐसे हम अपनी वोकेबरी को एनहांस करते हैं अब हम आगे मूव करते हैं हमारा एक टॉपिक था लेटर अब लेटर क्या होती है लेटर एक इंग्लिश में एक रिटर्न कम्युनिकेशन है जो टिपिकली एड्रेस करता है एक स्पेसिफिक पर्सन टू अ ऑर्गेनाइजेशन और अ स्पेसिफिक पर्सन भी ठीक है आप इसको वराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और फीलिंग्स मेकिंग अ रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द फीडबैक ऑल्सो तो टिपिकली एक लेटर में क्या होता है एक ओपनिंग सेल्यूटेशन होती है बॉडी ऑफ टेक्स्ट होता है और क्लोजिंग रिमार्क होता है अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर होती हैं जो कॉमनली एक फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है अब फॉर्मल लेटर क्या होती है फॉर्मल लेटर एक रिटर्न कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का यूज करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं ये यूजली हम एड्रेस करते हैं किसी अथॉरिटी को या फिर अननोन पर्सन को जो एंड uh, और और इसको हम ऑफिशियल बिजनेस uh, के लिए भी यूज करते हैं जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो सीरियस और प्रोफेशनल टोन में लिखी जाती हैं और एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मैनर में लिखी जाती हैं मूविंग टू वर्ड अब इनफॉर्मल लेटर क्या होती है इनफॉर्मल लेटर होती है एक टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना पड़ता आप कैजुअल लैंग्वेज में इसको लिख देते हो या आप अपनी फ्रेंड फैमिली को लिख सकते हो या किसी पर्सनल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो ठीक है इसमें फ्रेंडली और कॉन्वर्सेशनल टोन का यूज किया जाता है और फ्री फ्लोइंग में आपको लिखी जाती है रिलैक्स मैनर में कोई स्पेसिफिकली आपको स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ता ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल क्या करता है स्पेसिफिकली फॉर्मेट को फॉलो अप करता है इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेट नहीं रिक्वायर्ड होता प्रोफेशनल लेटर्स प्रोफेशनल लेटर में आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए और इनफॉर्मल में आपको कैजुअल लैंग्वेज लिखती हो फॉर्मल लेटर एड्रेस करते हैं किसी अथॉरिटी और अननोन पर्सन को इनफॉर्मल लेटर होती है फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए फॉर्मल लेटर इस यूज की जाती है सीरियस और प्रोफेशनल टोन को यूज करती है इनफॉर्मल लेटर यूज करती है फ्रेंडली और कैजुअल टोन को फॉर्मल लेटर का मेन पर्स होता है ऑफिशियल और बिजनेस कम्युनिकेशन जबकि इनफॉर्मल आपको एक पर्सनल कम्युनिकेशन के यूज में आती है फॉर्मल लेटर एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में लिखी जाती है इनफॉर्मल आप फ्री फ्लोइंग ऑन कन्वर्सेशनल मैनर में लिखते हो फॉर्मल लेटर क्लियर और कंसाइज देती है बट इनफॉर्मल आप कितनी हो फॉर्मल लेटर में हम प्रॉपर ग्रामर और स्पेलिंग्स का ध्यान रखते हैं बट इन फॉर्मल लेटर में अगर आप चाहो तो का भी यूज कर सकते हो एंड फॉर्मल लेटर जो हमारी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन का यूज करते हैं उसमें हम इनफॉर्मल लेटर में आप पर्सनल और ह्यूमरस कंटेंट भी इंक्लूड कर सकते हो फॉर्मेट क्या है द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर एंड द इनफॉर्मल लेटर दोनों का डिफरेंट है फॉर्मल लेटर में हम पहले सेंटर का ड्रेस लिखते हैं डेट लिखते हैं ऑन द टॉप राइट कार्नर देन फिर हम लिखते हैं रिसिप्टेंट का एड्रेस ऑन द बिलो द सेंटर एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड देन हम फॉर्मल सेल्यूटेशन लिखते हैं लाइक डियर मिस्टर मिसिज डॉक्टर या रिस्पेक्टेड वट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न एंड देन हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर जो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है जिसमें पहली इंट्रोडक्शन होती है देन मेन कंटेंट एंड लास्ट इज द कंक्लूजन आफ्टर दे फॉर्मल लेटर को क्लोज करते हैं विद सच एयरलीबीडेंटली एंड द फेथफुली एंड देन हम सेंडर का नेम और सिग्नेचर लिख देते हैं उसके नीचे अब इन फॉर्मल लेटर की बारी आए तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस और डेट लिखा जाता है टॉप राइट साइडिप्ट एड्रेस को जरूरी नहीं होता है इस को इसमें लिखना क्योंकि ये जर्नली आप किसी फ्रेंड और फैमिली को ड्रेस करते हो इसमें हम फॉर्मली वे में डियर करके ही लिखते हैं या आप डायरेक्टली नेम भी लिख सकते हो देन द बॉडी ऑफ लेटर जो वो लेस स्ट्रक्चर्ड होती है और कन्वर्सेशनल टोन में आप सिंपली लिख सकते हो जरूरी नहीं है आपको इंट्रोडक्शन देनी है देन मेन आइडिया एंड देन कंक्लूजन आप कैसे भी लिख सकते हो इसको आफ्टर दैट आप इसको क्लोज करते हो विद द लव टेक केयर विद रिगार्ड्स बेस्ट विदिज इस तरह से और लास्ट में अपना नाम लिख देते हो बट इसमें कोई सिग्नेचर लिखने की

uh language voc uh, vocabularies एंड uh, फिर आप उसके बाद राइटिंग uh, लेटर आपको रिक्वेस्ट करती है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द असिस्टेंट जो आपको हेल्प करती है पोलाइट लैंग्वेज और वोकेबलरी को यूज करने के लिए रिस्पॉन्डिंग टू द लेटर इन रिस्पेक्ट एंड द कॉन्ट्रस्ट मैनर कैन हेल्प इन लर्निंग हाउ यू कैन एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड इंक्लूडिंग द पर्सनल एंड द निगेटिव थिंग्स इन द लेटर आपको हेल्प करती है निगेटिव वोकेबलरी को कैसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज डिस्क्राइब कर हेल्प करती है आपको डिस्क्राइब करने के लिए पीपल प्लेस एंड द ऑब्जेक्टिव लेटर विदेक्टिव इंग्लिश तो बेसिकली आप जब लेटर लिखते हो उसके वजह से आप कौन कौन सीबुलरी सीखते हो कि फॉर्मली कैसेबुल यूज करनी है इनफॉर्मली कैसे करनी है ऑर्गेनाइज वे में वोबुलरी कैसे लिखी जाती है आ, नॉर्मल फ्लो में वोकेबुलरी कैसे लिखी जाती है बिजनेस के लिए कौन सी वोकेबुलरी यूज होती है फ्रेंड्स के लिए कौन सी वोकेबुलरी यूज होती है अगर आपको कोई ईडीएम फ्रेजेज लिखने हैं तो उसमें कौन सी वोकेबुलरी का यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टिव वे में अगर लैंग्वेज लिख रहे हो आप तो उसकी उसको कैसे डिस्क्राइब करना है ठीक है कैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में वोकेबुलरी का यूज करना है तो इस तरह से इन द नेक्स्ट थिंग इज अ नरेशन तो नरेशन रेफर टू द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी ठीक है निरेशन क्या होती है कि कैसे हम किसी को स्टोरी बता रहे हैं और डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ अ इंग्लिश सॉरी इवेंट तो इंग्लिश में निरेशन क्या होती है डिफरेंट फॉर्म की होती है जैसे स्टोरीज हो सकती हैं ओरल स्टोरी टेलिंग हो सकती है मूवीज हो सकती हैं एकेडमिक राइटिंग हो सकती हैं है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कम्युनिकेशन का जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है इमोशन और एंटरटेन करता है आपके ऑडियंस को और जो निरेशन है वो कैटेगराइज की जाती है टू डिफरेंट टाइप में डायरेक्ट निरेशन भी होती है इंटरने

तो जो नरेशन है हमारी वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोज लिखने में ये आपको अलो करती है कि आप एक अच्छी स्टोरी लिख सको जो कैप्चर करे एक रीडर की अटेंशन तो पहले बात होती है हमें प्लॉट इस्टेब्लिश करना होता है तो नरेशन यूज करते हैं हम मेन प्लॉट ऑफ स्टोरी लिखने के लिए मेन करेक्टर लिखने के लिए उनकी मेन मोटिवेशंस लिखने के लिए नेक्स्ट हमें सीन्स लिखने होते हैं तो निर्देशन की हेल्प से हम एक पिक्चर ऑफ अ सेटिंग बनाते हैं डिस्क्राइब करते हैं टाइम प्लेस एटमोसफेयर ऑफ द स्टोरी ठीक है थर्ड वन हम डिवेल करते हैं करेक्टर्स को नरेशन की हेल्प से कि हम उनकी पर्सनैलिटीज उनके बैकग्राउंड उनकी मोटिवेशन को डिस्क्राइब करते हैं बिल्डिंग सस्पेंस अब नेक्स्ट नरेशन की हेल्प से हम सस्पेंस बिल्ड करते हैं टेंशन करते हैं कीप करते हैं रीडर uh, को एंगेज करने का क्यूरियस करने का कि भाई आगे अब क्या होगा ठीक है फिफ्थ हम क्या करते हैं निरेशन की हेल्प से हम सीक्रेट को रिवील करते हैं हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं ऐड करते हैं डेप्थ और कंप्लेक्सिटी इन द स्टोरी वन िएटिंग नरेशन यूज करते हैं कंफ्लिक्ट बिटवीन द करेक्टर को शो करने के लिए सेटिंग अप द मेन प्रॉब्लम और चैलेंजेस जो करेक्टर के बीच में होते हैं अब आप डायलॉग्स लिखने के लिए भी नरेशन का यूज करते हो ठीक है ताकि वो एज अ कॉन्वर्सेशन शो हूँ क्रिएटिंग एटमोसफेयर जो एक नरेशन ही है जो यूज की जाती है एटमोसफेयर क्रिएटिव करने के लिए कि ये फेयर के ऊपर है ये जॉय के ऊपर है ये सैडनेस के ऊपर है ठीक है इससे रीडर के इमोशंस उसमें इंक्लूड होते हैं आप मेटाफोर्स यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ अरेशन जो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालते हैं स्टोरी के ऊपर आप डेवलप करते हो थीम्स विद द हेल्प ऑफ अ नरेशन एंड ये क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं स्टोरी का थीम कन्वे करते हैं ठीक है थीके? आप क्रिएट अ पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन कैन बी यूज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ये फर्स्ट पर्सन में है सेकेंड पर्सन में है थर्ड पर्सन में है विच कैन इफेक्ट द रीडर रिलेशनशिप टू द स्टोरी आप एनहांस करते हो डिस्क्रिप्शन यूज की जाती है इसके लिए भी ताकि आप प्लेस थिंग्स और पीपल को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सको और इंटरेस्टिंगली और एंगेजिंगली रीडर को इन्वॉल्व कर सको सिम्बोलाइजिंग में इसको यूज किया जाता है सिंबॉलिक चीजें क्रिएट अप करने के लिए जैसे कि ट्री को आप लाइफ ऑफ ग्रोथ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये सारी चीजें हमारी निरेशन की हेल्प से ही होती हैं डिवेल्प करना है क्लाइमेक्स को स्टोरी का टेंशन को क्रिएट करना वो भी किसकी हेल्प से होता है की हेल्प से और एक एंडिंग को क्रिएट अप करना वो भी हम एक निरेशन की हेल्प से करते हैं कि कैसे उसको लूजली एंड करना है और लीव करना है रीडर को विद द सेंस ऑफ अ क्लोजर ओके द नेक्स्ट थिंग इज द वॉइस ग्रामर में एक वॉइस नाम की चीज होती है जिसको हम रेफर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब ये ये शो करते हैं कि वेदर ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस वो परफॉर्म करता है एक्शन मतलब कि एक्टिव वॉइस है या फिर रिसीव करता है एक्शन जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं तो बेसिकली हमारी एक्टिव वॉइस क्या होती है द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो परफॉर्म करता है एक्शन को जैसे एग्जाम्पल जॉन द पिज़्ज़ा ओके एंड द वॉइस होती है हमारी जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस को रिसीव करता है जैसे इसको अगर हमें चेंज करना होगा एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे द पिज़्ज़ा वॉज रिटर्न बाय द जॉन तो एक्टिव वॉइस क्या थी कि सब्जेक्ट है वो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है और पैसिव क्या है सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है परफॉर्म करना मतलब कि मैंने वो पिज्जा खाया तो मैंने खाया तो मैंने कोई परफॉर्मेंस दी अब किसी चीज को रिसीव कर रही हूँ क्या कर रही हूँ खाया था तो ये परफॉर्मेंस थी पिज्जा मैंने खाया तो ये क्या हो गया एक रिसीवेंस हो गई ठीक है पिज्जा खाया मैंने ठीक है मैंने खाया पिज्जा तो ये क्या है कि मैंने रिसीव किया किसी से अब एक्शन क्या था कि मैंने खा लिया था पीजा तो भाई ये मैंने एक्शन किया खाया उसको ठीक है तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसे ही हम वॉइस को चेंज करते हैं अब चॉइस जो होती है बिटवीन एक्सिव और पैसिव वॉइस ये डिपेंड करती है कि आप इसको कहाँ पे यूज करना चाहते हो क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस जो होती है हमारी वो टेंट टू एम्फेसाइज दब्जेक्ट वाइल द ऑब्जेक्ट और एक्शन ठीक है अब यूज कैसे करते हैं हम एक्टिव वॉइस को एक प्रोज लिखने में तो जो बेसिकली ये एक्टिव वॉइस है जो हमारी हेल्प करती है टोन और मूड बताने के लिए ठीक है एक्टिव वॉइस हमारी यूज होती है सेंस ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी बताने के लिए एक्टिव सॉरी बोल रही हूँ एक्टिव पैसिव दोनों ठीक है विद द सेंस ऑफ अ करेक्टर एंड द पर्सनैलिटी बताने के लिए वॉयस हमारी यूज होती है गिव अ रीडर अ सेंस ऑफ इंटीमेसी विद द राइटर और द नरेटर ओके वॉयस हमारी प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ इमिडेंसी एंड द अर्जेंसी टू द राइटिंग वॉइस इस्टेब्लिश करती है राइटर्स की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी ये हेल्प करती है क्रिएट द सेंस ऑफ इम्पैथी एंड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द रीडर वॉयस क्रिएट करती है सेंस ऑफ सस्पेंशन एंड द टेंशन इन द राइटिंग वॉइस यूज की जाती है क्रिएट द सेंस ऑफ ह्यूमर इन द आयरनी वॉइस यूज की जाती है टू क्रिएट द सेंस ऑफ इंटीमेसी करेक्टर टू कन्वे द वॉइस यूज की जाती है आपको योर इनर था एंड द फीलिंग ऑफ द करेक्टर इन स्टोरी वॉइस देंटेंस ऑफ द रियलिज्म सेंस ऑफ द रियलिज्म दिटी

कैसे आपको टीचर हेल्प करती है फॉर राइटिंग ऑफ द कंपोजिशन तो इसमें बारह पॉइंट्स पहले लिखे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि भाई ब्रेन स्टोन करो अपने आइडिया को नेक्स्ट हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इन द फॉर्मेट ऑफ द कंपोजिशन थर्ड वन हम उसको एक प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल ऑफ द गुड कंपोजिशन फॉर अ स्टूडेंट टू रीड इट फोर्थ हम एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि भाई डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करो और उसको डिटेल में लिख फिफ्थ वन हम उसको कहते हैं कि तू तो अपने थॉट्स को अब ऑर्गेनाइज कर अपने आइडियाज को ठीक है सिक्स्थ हम उसको फीडबैक देते हैं और उसको एक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्ट कराते हैं सेवंथ हम एनकरेज करते हैं उसको कि अब तू तो इसमें रिवीजंस और एडिशन कर एज पर द फीडबैक एथ वन इज टीचर स्टूडेंट को ट्रांशंस टू कनेक्ट आइडियाज इन द पैराग्राफ अब उसका हम कनेक्शन कराते हैं नाइन्थ वन ईर स्टूडेंट को हेल्प किया जाता है टू यूज अ वाइटी ऑफेंस स्ट्रक्चर टेंथ हम इनकेज करते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ पंचुएशन का यूज करने की ओके okay, इलेवेंथ हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू राइट द द नेटिव डिस्क्रिप्टिव पीस और एसेज ठीक है ट्वेल्थ हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि भाई तू तो अब अपनी ओन राइटिंग वॉइस में और अपने ओन स्टाइल में अब इसको लिख ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हाउ टीचर कैन हेल्प टू इम्प्रूव द स्टूडेंट राइटिंग स्किल इन इंग्लिश ठीक है तो हम क्या करते हैं उसको पहला है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग असेसमेंट्स कि वो अपने स्टाइल्स और फॉर्मेट में लिख सके हम उसको इनक्रेज करते हैं रीड कर तो वाइडली और क्रिटिकली चीज़ों को ठीक है और डेवलप कर अपनी ओन राइटिंग स्किल्स को थर्ड हम उसको रेगुलरली फीडबैक्स देते हैं असाइनमेंट्स देते हैं strength, उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेसेस बताते हैं फोर्थ हम उसको मॉडल टेक्स्ट और एग्जाम्पल देते हैं ताकि वो इफेक्टिवली राइट कर सके फिफ्थ वन हम उसको ग्रामर और सिंटेक्स सिखाते हैं कि भाई कैसे किसी चीज को लिखा जाता है क्लैरिटी के साथ सिक्स हम उसको इंपॉर्टेंस बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर कि कैसे किसी चीज को प्रॉपरली लिखा जाता है ठीक है कैसे उसको प्लान किया जाता है सेवंथ हम स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं टू राइट ऑन अ रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली लाइक अपना जर्नल लिखो या अपना पोर्टफोलियो लिखो एट्थ हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्री रिव्यू एंड द कोलेबोरेटिव राइटिंग कि अपने फ्रेंड से भी रिव्यू करा लो नाइन्थ हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को टू एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स इन द टेक्निक्स एंड द वॉइसेस टेंथ वी प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू एस्टेब्लिश द राइटिंग एंड शेयर इट विद अदर सच एज थ्रू अ क्लास और द ब्लॉग और एलेवेंथ हम उसको यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी टूल्स में और रिसोर्सेज में सच एज राइटिंग सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन राइटिंग शॉप वर्कशॉप

ठीक है जिसको हम डिफरेंट सिग्निफिकेंस टोन स्टाइल और स्ट्रक्चर में लिखते हैं हर एक स्टाइल का अपना यूनिक फीचर है और इसके अप्रोप्रिएट तरीके से हम इसको लिख सकते हैं तो फॉर्मल राइटिंग में हम क्या करते हैं ये करेक्टराइज़ की जाती है विद द सीरियस और प्रोफेशनल टोन से जो सूटेबल फॉर अकेडमिक बिजनेस और ऑफिशियल कंटेंट के लिए होती है द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है जैसे इसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए बॉडी होनी चाहिए कंक्लूजन होना चाहिए थर्ड ये एक राइटिंग स्टाइल इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें एडवांस वोकेबुलरी और फॉर्मल ग्रामर का यूज किया जाता है फिफ्थ वन इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन और स्लैग टर्म्स का अवॉइड करते हैं यूज करना से फिफ्थ वन इज दैट अब हम इस फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर फोकस होता है ठीक है जिसको हम प्रॉपरली एविडेंस के साथ सपोर्ट uh, दे सकते हैं सिक्स वन ये रिक्वायर करता है एक्सटेंसिव रिसर्च क्रिटिकल एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को सेवंथ वन इज़ दैट फॉर्मल राइटिंग जो है वो यूजली एडिटेबल और रिवाइज़ की जाती है मल्टीपल टाइम्स और एट्थ वन है कि इसमें हम स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करते हैं जैसे कि ए पी एंड एम एल ए ठीक है अब और बारी आती है इनफॉर्मल राइटिंग की इनफॉर्मल राइटिंग करेक्टरसटाइज की जाती है कन्वर्सेशनल और रिलैक्स टोन के साथ ठीक है ये सूटेबल होती है पर्सनल और सोशल कॉन्टेक्ट के लिए ये की जाती है विदाउट फॉलोइंग यानी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ठीक है और स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न इन अ फ्री स्टाइल थर्ड वन इज इनफॉर्मल राइटिंग है जो सिंपल सेंटेंस में लिखी जाती है एवरीडे वोकेबलरीज इसमें यूज की जाती है और इनफॉर्मल ग्रामर रूल्स फोर्थ वन है इसमें हम स्लैग टर्म्स का यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन का यूज कर सकते हैं फिफ्थ वन है इनफॉर्मल राइटिंग जो है वो हमारी सब्जेक्टिव पर्सनल हो सकती है इसका फोकस हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में होता है ना कि किसी ऑब्जेक्टिव को वन है इसमें हमें बहुत सारी क्रिटिकल एनालिसिस या रिसर्च की नीड नहीं पड़ती है वन इज ये यूजली एडिट नहीं की जाती जो हमारे मन में आता है हम उसको लिखते हैं और आगे भेज देते हैं और एट्थ है इसमें कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है किसी चीज को लिखने का ठीक है अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्टिंग्विश द डिस्टिंग ऑफ अः लैंग्वेज टू अंडरस्टेंड एंड प्रेक्टाइज इन टू स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश तब दो स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश कैसे डिफरेंट है तो सबसे पहले आपको पता लगा कि हमारे पास दो ही तरह की राइटिंग होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल uh, तो फॉर्मल राइटिंग में जो वोकेबलरी होती है वो सोफिस्टिकेटेड यूज की जाती है वो एक प्रॉपर वे में यूज करते हैं एज पर द टॉपिक एंड अप्रोपरेटिव टूवर्ड्स द ऑडियंस ग्रामर जो होती है वो एकट होती है और प्रिसाइज होती है वेल well स्ट्रक्चर्ड होती है ठीक है फ्री फ्रॉम द स्लैग्स होती है टोन का हम इसमें ध्यान रखते हैं वो फॉर्मल पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए उसमें ह्यूमर और पर्सनल ओपिनियंस नहीं इंक्लूड होने चाहिए पंचुएशंस का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है कॉमा सेमी कॉमा कॉल कहाँ आएंगे ठीक है नेक्स्ट थिंग इज अ रजिस्टर लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल और इम परसनल अवॉइड कंस्ट्रक्शन फ्रेजल वर्ब्स ठीक है इस तरह की चीजें आपको नहीं इंक्लूड करनी है एंड सिक्स वन इज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स होता है और एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में होता है हम शॉर्टकट या सिंपल सेंटेंस को इसमें लिखना अवॉइड करते हैं Moving the informal writing, vocabulary इसमें एवरीडे कॉमनली है ठीक है शॉर्टर या कम्प्लेक्स ग्रामर का यूज किया जाता है टोन इसमें हमारी कन्वर्सेशन होती है आप ह्यूमर्स और पर्सनल ओपिनियन इसमें अपने दे सकते हो पंचुएशन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता ठीक है Uh, यहाँ पे पर एक्सप्लामेशन मार्क्स बड़ा यूज होता है हमारा क्योंकि इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ये यूजअली uh, इसमें आप अपना स्लैग्स या फ्रेजल वर्ब्स का यूज कर सकते हो और सेंटेंस सिंपल और शॉर्टर वे में लिखे जाते हैं प्रॉपर uh, किसी हार्ड वे में नहीं लिखे जाते शॉर्टकट और एब्रीवेशन भी आप इसमें यूज कर सकते हो द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर मैंने यहाँ पे एक लिख के तो चैप्टर लिखा है देखो किसी टीचर को सबसे पहली बात नहीं पता होता कि ये कौन सी क्लास का चैप्टर है अगर पता भी है तो कोई बात नहीं वहां पे आपको कहीं कभी चैप्टर का नाम नहीं लिख के आएगा कि आपको इस चैप्टर को क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आएगा कि आप या तो चैप्टर क्रिटिकल एनालाइज कर दो या इस क्लास का चैप्टर क्रिटिकल एनालाइज कर दो सो आई रिकमेंड कोई एक चैप्टर अच्छे से याद कर जाओ किसी भी क्लास का है आपको कोई लेना देना नहीं है आपने सिर्फ क्लास चेंज करनी है और वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है चाहे वो सिक्स का पढ़ के जा रहे हो टेंथ में भी वही लिख कर आओगे ये नहीं सोचने बैठना वहाँ पे कि टेंथ का नहीं है No कि वो कौन सी बुक का है और कहाँ से आया है ठीक तो मतलब है से नहीं। तो ये चीज़ आप नाम का हमारी एनसीआरटी बुक में सेवेंथ क्लास में चैप्टर है उसको मैंने लिया है ठीक है तो मैंने यहाँ पे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है छोटी सी कि भाई किस चैप्टर को आप कर रहे हो तो आपने लिखा कि चैप्टर है हमारा थ्री क्वेश्चन कौन सी बुक से है एनसीआर टी की टेक्स्ट बुक से है सेवेंथ क्लास का चैप्टर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है ठीक है ये एक्सप्लोर करती है थीम है इसका क्यूरियोसिटी एंड द क्वेश्चनिंग ठीक है अब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करने जा रहे हैं तो बेसिकली हम इसको कंटेंट लैंग्वेज और रेलिवेंस के ऊपर और वैल्यू के ऊपर करते हैं बाकी जरूरी नहीं है आपको इस पॉइंट पर लिख के आना आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख के भी लिख के आ सकते हो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख के आ सकते हो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी इतने सारे इसके पॉइंट्स दे दूंगी कि आप इसको इजिली क्रिटिकल एनालाइज कर सको ठीक है अब पहली बात तो हमने कहा कि ये स्टोरी है जो ये अराउंड करती है एक किसके यंग बॉय के अराउंड जो क्यूरियस है जानने के लिए उसके आसपास का वर्ल्ड ठीक है अराउंड हिम और वो क्वेश्चन करता है अपने टीचर को या जिसको भी वो क्वेश्चन कर रहा है जो स्टोरी है वो टीच कर रही है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग और एनकरेज करने की स्टूडेंट टू बी क्यूरियस एंड द आस्क क्वेश्चन ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज ये स्टोरी है वो वेल well स्ट्रक्चर है वो एक क्लियर मैसेज प्रोवाइड करती है और एक असेंशियल है फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अब इसमें लैंग्वेज कैसे यूज की गई है तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी लैंग्वेज यूज की गई है जो इस क्लास के बच्चों को समझ आ जाए ये बड़े सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में ये स्टोरी लिखी गई है ठीक है और ये असेसिबल है कि हर तरह का स्टूडेंट इसको पढ़ सके थर्ड वन इज अ इजेंस ये चैप्टर हाईली रेलिवेंट है टू द टारगेट ऑडियंस ये करता है स्टूडेंट को डेवेल्प करने के लिए क्वेश्चनिंग एटीट्यूड एंड द देयर ठीक है है ये स्टोरी आपको मैसेज देती कि क्वेश्चनिंग करना एक नेसेसरी थिंग है ठीक है चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो नेक्स्ट ये आपको वैल्यूज क्या दे रही है ये आपको वैल्यू दे रही है इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉसिटी एंड द क्वेश्चनिंग ये आपको एनकरेज कर रही है स्टूडेंट को कि भाई तुम क्वेश्चन पूछो क्रिटिकली थिंक करो और एक न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करो ये वैल्यूएबल स्किल्स आप में लेके आ रही है जो आपको लाइफ लाइंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम आएंगी ठीक है अब इसमें हम इतने से तो लिखने से चलेगा नहीं और पॉइंट्स लिख के आते हैं तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये भाई लियो uh, uh, जो हमारे एक ऑथर है उन्होंने ये चैप्टर लिखा है थ्री क्वेश्चन नाम का चैप्टर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रू विजडम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट ठीक है ये स्टोरी है जो स्ट्रक्चर्ड है अराउंड द थ्री क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चन uh, जो किंग uh, जिस किंग इसके आंसर लेना चाहता है ठीक है आप इस स्टोरी को एक बार ही सुन लेना यूट्यूब से तो आपको ईजी हो जाएगा पॉइंट्स बनाना ठीक है दैट द किंग सीक्स आंसर टू बट अल्टीमेटली ये स्टोरी है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट रेदर देन द डिवेलिंग ऑन द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर ठीक है अब इसमें जो ऑथर है उसने करैक्टर्स यूज किए हैं जैसे किंग है टू रिप्रेजेंट द पावरफुल और वेल्दी पर्सन हु बिलीव दैट देव ऑल द आंसर बट ये ऐसा नहीं है ये सच नहीं है ये स्टोरी है ये एक्सप्लोर करा रही है आपको आइडिया दैट द कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस द लाइफ एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट रेदर देन द द सीकिंग सिंपली सीकिंग नॉलेज और आंसर ठीक है तो ये हमारा इसका मेन आइडिया या थीम हो गया अब इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें जो हमारा किंग है वो फर्स्ट क्वेश्चन करता है वट इज द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग तो ये दे क्वेश्चन है वो सेटअप करता है थीम फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट तो इस क्वेश्चन ने हमें इस चीज से ये सिखाया सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें किंग पूछता है वो कहते हैं so, ये क्वेश्चन एक्सप्रेस कर रहा है आइडिया किसका थ्रू विजडम का जो कम फ्रॉम द वर्किंग विद अदर एंड रिकोगना पीपल रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन हर एक इंसान के काम की उतनी ही वैल्यू है थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछते हैं वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू तो ये हाईलाइट करता है आइडिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू वट इज राइट इन द प्रेजेंट मोमेंट रेदर देन सीकिंग अबाउट द डिस्टिंक्ट गोल ठीक है तो ये इसमें तीन क्वेश्चन थे ये उसके तीन आइडियाज लिख दिए फिर आपने कहा कि जो हर्मिट है वो करता है किंग को कि दैट द ट्रू विजडम कान बी गेन थ्रू द नॉलेज अलोन बट इट रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ लाइफ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी तो ये जो स्टोरी है वो एक्सप्लोर कर रही है आइडिया दैट द विजडम इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द राइट आंसर्स बट ऑल्सो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट्स एंड हैविंग द वैल्यूज ठीक है तो इसमें जो बताई गई है वो हर्मिट सिंपली लाइफ जीता है जो कंट्रास्ट कर रहा है किंग की लाइफ को भी ठीक है एक ये चीज हो गई इसमें अब इसमें बता सकते हो आप ये स्टोरी है वो एक्सप्लोर कर रही है द थीम ऑफ द इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑल द थिंग्स जो किंग की एक्शन है और जो डिसीजन है वो इंटेंडेड है टू द कॉन्सिक्वेंसी दैट अनलिमिटेड टू द रेजोल्यूशन ऑफ हिज क्वेश्चन ठीक है अब द स्टोरी एंड करते हैं कि किंग को रियलाइज होता है ही हैज ऑलरेडी फाउंड द आंसर टू हिज क्वेश्चन थ्रो हिज ओन एक्शन उसने अपने ही एक्शन से उसके आंसर ले लिए जो हाईलाइट करता है आइडिया दैट द विजडम कांट बी टॉट एंड एंड डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस अब इस स्टोरी का मैसेज क्या है कि वन ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द रिकोगनाइजेशन इज द ट्रू विजडम कम फ्रॉम द सीकिंग आंसर्स और द दोल्यूशन बट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड रिकॉन्गलियल की जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई है वो बढ़िया पावर किसको देते थे ध्यान देते थे ये स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है इमेजनरी चीज़ें इसमें एंट इमेजनरी अंडर स्कोर्स यूज किए गए हैं फाउंड की गई है ऑर्डनरी और एवरीडे एक्सपेक्ट ऑफ अ लाइफ में ये एक्सप्लोर कर रही है ये आइडिया ये बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत है जो भी आप लिख लेना इसमें किंग की जर्नी बताई गई है कि जो तीन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए लगा हुआ है इसमें मेटाफर्स का यूज़ किया गया है ठीक है इसमें क्या है ये स्पिरिचुअल बिलीफ के ऊपर बेस्ड है स्टोरी ठीक है काइंडनेस के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाता है उस चीज को बता रही है ये स्टोरी आपको रेलिवेंसी ऑफ द टुडे समझा रही है ठीक है ये आपको स्टोरी है वो कैन आल्सो सीन एज अ कॉल टू एक्शन एनकरेज कर रही है रीडर्स को टू लिव इन द अकॉर्डिंग विद द बिलीव्स एंड द वैल्यू ये स्टोरी आपको एम्फेसाइज प्रेजेंट मोमेंट में आप जी सको रिजेक्ट सच एज रिजेक्शन ऑफ द आइडिया दैट द फुलफिल टू द मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपको खुश कर दी है उनको छोड़ दो ठीक है ये एक टाइमलेस स्टोरी है जो कंटिन्यू करती है रेजोनेट विद द रीडर्स जो आज की डेट में भी पढ़ रहे हैं उसको भी ठीक है अब इसमें हम और चीजें देखते हैं तो पहली बात तो ये सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी है कोई कॉम्प्लेक्स चीजें यूज नहीं गई है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखी गई है ये किंग और हर्मिट के बीच की स्टोरी है उनकी लाइफ स्टाइल्स को बता रही है कि कैसे किंग का लाइफ स्टाइल डिफिकल्ट था और एज कम्पेयर टू हर्मिट सिंपल लाइफ स्टाइल जीता था ये स्टोरी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखी गई है जो तीन क्वेश्चंस के अराउंड घूम रही है जिसके तीन आंसर ढूंढे जा रहे हैं स्टोरी बताती है टोल्ड इन द लीनियर रिलेटिव स्ट्रक्चर में ये लिखी गई है क्लियर इसकी बिगनिंग मिडल और एंड है स्टोरी एक रिलेटिव शॉर्ट स्टोरी है जो मैक्स टू मैक्स थाउजेंड वर्ड्स की होगी इसमें हमने डिफरेंट लिटरेसी डिवाइजिस का यूज किया गया है सिम्बोलिज्म का यूज किया गया है इसमें हमने आयरनी यूज की गई है इसमें हमने रिपिटेशन यूज की गई है ठीक है स्टोरी का थीम इसमें है कि थ्योरी द स्टोरी थीम द री इनफोर्स थ्रो तो द यूज़ ऑफ इमेजिनरी थिंग्स यूज़ की गई हैं इसमें ठीक है स्टोरी क्या करती है डायलॉग में वे में भी लिखी गई है थोड़ी बहुत ठीक है अब इसमें और अगर आप ज्यादा और इसको करना चाहो तो आप इसके राइटर के बारे में लिख के आ सकते हो कि जैसे ये जो राइटर है, वो एक राइटर है है वो वो एक एक फिलोसोफर थे वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे ठीक है वो क्या करते थे इनको रिवॉर्ड किया गया था वन ऑफ द ग्रेट नोवेलिस्ट ठीक है और ये जो थे वो वन ऑफ द ग्रेट नॉवेलिस्ट थे वर्ल्ड लिटरेचर में और इनके आ, क्या करते थे इनकी राइटिंग कैसी होती थी डेप्थ इनसाइट और मॉरल वैल्यूज वाली स्टोरीज को लिखना पसंद करते थे ये एक्सप्लोर करते थे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड देयर इनर लाइफ ऑफ द करेक्टरस्टिक्स तो इसलिए इन्होंने ये स्टोरी लिखी ये नोन फॉर हिज अटेंशन टू द डिटेल एंड हिज एबिलिटी टू वेक द स्ट्रॉग सेंस ऑफ द प्लेस इन राइटिंग ठीक है ये मार्ग ये जो राइटर थे वो उनकी राइटिंग मार्ग बाई हिज नी ऑब्जर्वेशन वो अच्छे से ह्यूमन के ऑब्जर्वेशन करते थे तो इस तरह से वो स्टोरीज लिखते थे वो फ्री इनड स्पीच में स्टोरी लिखना पसंद करते थे ठीक है कॉम्प्लेक्स और डेप्थ स्टोरीज लिखते थे और वो कैसी स्टोरीज लिखते थे वॉर लव और सोशल इनजस्टिस पे स्टोरीज लिखना पसंद करते थे तो इस तरह से आप इनको करके क्रिटिकल एनालिस करके आ सकते हो बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में आप पहला इंट्रोडक्शन दोगे कि भाई ये स्टोरी का नाम है इस क्लास की स्टोरी है इस बुक की स्टोरी है इस ऑथर ने लिखी है ठीक है नेक्स्ट थिंग आप उस ऑथर के बारे में लिख देना ये ऑथर है ये ऐसा ऑथर था ये इनकी इस तरह से स्टोरीज लिखते हैं ठीक है थर्ड थिंग आप लिखोगे इसमें कि भाई ये स्टोरी क्या है ये स्टोरी ये स्टोरी थी थ्री क्वेश्चंस नाम की तीन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रिवॉल्व कर दी थी और आंसर ढूंढ रहे थे अब इसमें ये हमारे करेक्टर्स यूज हुए हैं आफ्टर दैट उसमें आप लिखोगे कि सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है इमेजिनरी वर्ड यूज हुए हैं मेटाफर यूज हुए हैं और कम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है ऐसी तरह के फ्रेजेज यूज हुए हैं ये सारी चीजें जब आप लिख देते हो तो ये हो जाता है किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर देना तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर थ्री जो थ्री जीरो वन कोर्स का था टीचिंग ऑफ इंग्लिश वो कंप्लीट हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी भी कुछ डाउट हो इस यूनिट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं उस टॉपिक को अलग से भी एक्सप्लेन करने की ट्राई कर दूंगी सो तो बाय बाय एवरी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ